सो हे गाइस, यह है एक स्पीकर और स्पीकर को कैसे चलाते हैं ये तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन आज मैं इस स्पीकर के साथ एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। तो गाइस, क्या होगा अगर मैं इस स्पीकर में डायरेक्ट 220 वोल्ट सप्लाई दे दूँ? क्या स्पीकर जल जाएगा या फिर बहुत तेजी से बजने लगेगा? लेकिन गाइस, ये तो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है, रियलिटी में क्या होगा ये किसी को पता नहीं। तो चलिए मैं इस स्पीकर में 220 वोल्ट सप्लाई दे के देखता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन गाइस, ये कोई भी खराब स्पीकर नहीं है, ये पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में है। चलिए मैं आपको इसे चला के बताता हूँ। सो गाइस, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे सप्लाई चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर 220 वोल्ट आ रही है या फिर नहीं। सो गाइस, चलिए अब मैं इस स्पीकर को डायरेक्ट 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर देता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन गाइस, आप इस तरह की चीज़ को घर पर करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मैंने इसके साथ पूरी सेफ्टी का यूज किया है। तो गाइस, अभी मैंने इसमें सप्लाई काट दी है और जब मैं इसे ऑन करूँगा तो बहुत दूर से करूँगा ताकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब मैं 3 तक काउंट करूंगा और फिर इस स्विच को ऑन कर दूंगा। 3, 2, 1। सो देखा गया, आपने कुछ ऐसा होता है जब हम स्पीकर को डायरेक्ट 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, हमारा स्पीकर चला देता है लेकिन थोड़ी सी देर, वो भी बहुत तेज आवाज में, और जो हमारा स्पीकर है इसके यहाँ पर जो ये वायर होते हैं ये इसके पूरी तरह से जल चुके हैं और बाकी स्पीकर को कुछ भी नहीं हुआ है। मे भी अगर हम इस वायर को वापस से कनेक्ट करें तो ये वापस से चलने लगेगा। मैं कोशिश करूंगा इसे दोबारा रिपेयर करने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर देना और इसी तरीके और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।